हेमंत सोनारीवाल पार्षद जी आके परसों रात को भी बंद करवा दिया, अभी भी रात को कल रात को भी बहुत ज़्यादा दंगा करके बंद करवाया, पुलिसों को बुला के माथापोड़ी करवा रहे हैं। और अजमेर की सबसे बड़ी टाउनशिप व अजमेर शहर की प्राइम लोकेशन पर अपेक्षा ग्रुप आपके लिए लाया है एडीए से अप्रूव प्लॉट्स व विला, जहां आपको मिलेगी 80% तक की लोन सुविधाएं। अब आप अपने ही बजट में खरीद पाएंगे प्लॉट्स और शानदार विला, जिसमें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी सभी प्रकार की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही अपने सपनों का प्लॉट्स और विला खरीदने के लिए संपर्क करें सत्यनारायण धाकर 9672265558, अपेक्षा सिटी चाचावास पुष्कर बाईपास अजमेर। अजमेर के पहाड़गंज वार्ड 21 के क्षेत्रवासियों ने पार्षद पर डीजे बंद करवाने का आरोप लगाया। राजकुमार सुखाड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 नंबर वार्ड के पार्षद हेमंत द्वारा नवरात्रा में चल रहे डीजे को लड़ाई झगड़ा करके बंद करवा दिया गया। वहीं पुलिस को बुलाकर माहौल भी खराब करवाया जा रहा है। पिछले 3 साल से मैं लगातार अपने स्थान पर डांडिया करवाते आया हूं, जबकि खुद पार्षद हेमंत भी इस प्रोग्राम में आते जाते रहते थे, परंतु इस बार उनका बदला रवैया देखकर क्षेत्रवासी भी काफी परेशान है। वहीं हमारे डांडिया करवाने का मुख्य कारण बहनें और माताओं द्वारा डांडिया का भरपूर आनंद लेना है। मुझे थाने पर बुलाया जाता है और डीजे बंद करवाने के लिए बोला जाता है। इसी के चलते आज वार्डवासियों ने परेशान होकर जिला कलेक्टर को पार्षद हेमंत के खिलाफ शिकायत की। भैया पहाड़गंज पुरानी चांदमारी में रहता हूँ साहब, 21 नंबर वार्ड में हेमंत सोनारीवाल पार्षद जी आके परसों रात को भी बंद करवा दिया, अभी भी रात को कल रात को भी बहुत ज़्यादा दंगा करके बंद करवाया, पुलिसों को बुला के माथापोड़ी करवा रहे हैं। और आज कम से कम 3 साल से मैं करवा रहा हूँ वहाँ पे, 3 साल से हर साल करवाता हूँ, और खुद भी आते थे पहले, खुद भी करते थे, अभी इस बार मतलब क्या नाटक कर रहे हैं, क्या जांच है, क्या समझ में आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं अभी तक। और हम कहते थे हमारा राजी खुशी बहन बेटी खेलती है, हमारी बच्ची आके खेलती है, हमारे पास कोई दंगे का काम नहीं, कोई लफड़े का काम नहीं है, ये पता है क्या चाहते हैं। कौन सा वार्ड है? 21 नंबर वार्ड साहब, और पूरा मोहल्ला हमें सहयोग दे रहा है। थाने पे बात हुई थी आपकी? थाने में जाके आया था सब, थाने ने बुलाया था परसों, बुलाया था 2 बजे, मैं जाके आया था 2 बजे सब, तो मैंने बोला सब बंद कर देना, मैं सब क्या बात है, कोई बंद क्यों कैसे कर देना, हर साल करवाते ही है, तो बोला नहीं बंद कर देना मेरे को, मैं सब किसने शिकायत दी, तो वो नाम बताया हेमंत सोनारीवाल पार्षद का, तो बोला ठीक है साहब मैं उनसे बात करूँगा। फिर मैं घर पर आके उनसे बात करी, तो बोला तूने ऐसे कर दिया, तूने वैसे कर दिया, मेरे से पूछा नहीं, उससे नहीं पूछा, मैं सब अभी आचार सेवा चल रही है, मैं किससे पूछूँ, तो मैंने उसने मतलब पूछा नहीं उनसे, तो मैंने मेरे स्थल पे करता हूँ हर साल मेरे स्थल पे करता हूँ, ना चंदा लेता हूँ ना कुछ लेता, सब मैं मेरे स्थल पे करता हूँ सब। और कलेक्टर आए सब, कलेक्टर साहब से नाम बताओ, राजकुमार सुखाड़िया सब, डांडिया के, हाँ सब, वार्ड नंबर हमारा 21 है और 22 नंबर का पार्षद हमें रुकवा रहा है, पुलिस थाने में रोज रिपोर्ट जाके करवाते हैं कि हमारे डांडिया बंद करो, जबकि हमारे 20 साल से डांडिया हो रहे हैं, हमारे वहाँ पर हर साल होता है, हर साल बहन बेटियाँ मोहल्ले की बहन बेटियाँ वगैरह हम करते हैं, लेकिन हमारे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ, और 6 बजे आके पुलिस वाले बंद करवा जाते हैं, ऐसा क्या है जो हमें बंद करवाते हैं आके, हर साल में कराता है पार्षद, तो समस्या यही आ रही है कि हमें आके बंद करवा रहे हैं, हमारे 6 बजे आके बंद करवा देते हैं, और क्यों करवा रहे हैं हमें खुद को पता नहीं है क्यों करवा रहे हैं, पहले भी होते थे आपके, ये हर साल होते हैं हमारे, भाभी कौन है पार्षद का नाम क्या है? अब वैसे देखा जाए तो हमारे मोहल्ले का तो प्रदीप जी तुंगरिया है, लेकिन हमारे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हेमंत सोनारीवाल है वो जाके रिपोर्ट करवा रहे थाने में। कौन सा थाना है? रामगंज थाना, भगवानगंज थाना। थाने पे बात करी पहले? थाने पे हमने बात नहीं करी थी, क्योंकि हर साल करवाते ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमें, वो खुद ही आके देख के जाते हैं, खाली 10 बजे तो बोला 10 बजे से चलाना। क्या है कि भाई वो हमारे मोहल्ले में हेमंत सोनारीवाल जी है, थोड़ा सा हमने क्या उनका एड्रेस डाल दिया कि हेमंत जी सोनारीवाल के सामने हमारे डांडिया हो रहे हैं, तो उनको इस नाम से प्रॉब्लम हो गई कि हमारा नाम क्यों डाल दिया। लगता है आपको इस तरीके से धार्मिक आयोजन हो रहा है, पार्षद द्वारा धार्मिक आयोजन को बंद करवाया जा रहा है, तो क्या है? हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारे डांडे चल्लू करवाइए बस खाली। आपका नाम बताइए। मैं ना